गुड मॉर्निंग क्लास 7 चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मींस प्लांट में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, ऐसी कौन-कौन सी प्रोसेस है जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। बर्ड रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहां पर ये जो डेफिनेशन लिखी है इससे आप मीनिंग समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मतलब किसी भी एक पेरेंट से मेल फीमेल पेरेंट से अपने ही टाइप के न्यू इंडिविजुअल को बर्थ करना। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो प्लांट्स के हो, एनिमल्स को हो या ह्यूमन बींग्स को। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे प्लांट्स की। सो एक पेरेंट्स प्लांट से निकाला था पेरेंट प्लांट, ठीक है। इस पेरेंट प्लांट से अपने ही टाइप के, फॉर एग्जाम्पल ये किसका ट्री है आपका, यहाँ पर ले लेते हैं बनियान ट्री है, ठीक है। तो ये जो बनियान ट्री है ये अपने ही इंडिविजुअल को बर्थ करेगा, मींस ये नेक्स्ट बनियान ट्री को ही बर्थ करेगा। ये मैंगो के ट्री को बर्थ नहीं कर सकता, मैंगो के ट्री को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये क्या कहलाता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर में बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस ऐसे कौन कौन से टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आप सभी को मालूम है फर्स्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं। सीड मींस जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनके फ्रूट में या फ्लावर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जहां पर मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स है जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 7। थैंक यू।